चंद्रशेखर आजाद के एक झलक पाने को मंच पर चढ़ गए हजारों कार्यकर्ता। बाद में चंद्रशेखर की अपील सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बाद मंच से उतरने को कार्यकर्ताओं को कहा गया है। दही आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पहुंचकर चंद्रशेखर का भव्य स्वागत किया। चंद्रशेखर आजाद से बात करने उनकी एक झलक पाने के लिए जनता बेकाबू हो गई थी। चंद्रशेखर आजाद की झलक पाने को मंच पर हजारों कार्यकर्ता चढ़ गए। बाद में चंद्रशेखर की अपील पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश देने के बाद सभी कार्यकर्ता मंच से नीचे उतर आए। चंद्रशेखर ने बताया कि मैंने आप लोगों के सामने एक ईमानदार प्रत्याशी हाजी आमिर को लाकर खड़ा किया है, जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य और कोषाध्यक्ष श्री वीरेंद्र श्री ऋषि नेतृत्व में लड़ेंगे, जिसे आपको जनता को भारी बहुत से जुटाना है। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता के सेवा को हमेशा रत पर रहेगा। मेरी पार्टी की प्राथमिकता ईमानदार छवि को लोगों को आगे लाना है। तो मैं अस्पताल चला गया, यही प्रशासन शासन के लोग थे। मैंने कहा भाई देखो, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, अगर मैं ना चाहूं तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है। और मैं आपको आने वाले 4-5 दिनों के बाद दिखाऊंगा, 4 तारीख के बाद, समझ रहे हैं। बुलेट ट्रेन की स्पीड से यहाँ जो है आजाद समाज पार्टी दौड़ेगी बुलेट चैन को आप लोग देखिए। इस लड़ाई में तमाम तरह के मुकदमे आपको डराने दबाने के लिए जो आज तक यूज हुए, समझ रहे हैं, तमाम तरह के मुकदमे, तमाम तरह के झूठे आरोप, तमाम तरह की बातें आपके खिलाफ होंगी। बस ये याद रखेगा, आपने तमाम लोगों को अजमाया, मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक बार आप अपना भरोसा अपने भाई, अपने बेटे, अपने दोस्त और अपने जिम्मेदार साथी को देके दीजिएगा। 22 का चुनाव देर से है, अगर बुलंदशहर में बिना सत्ता के सत्ता वाला माहौल जो है ना महसूस कर रहा तो बुलंदशहर में आकर पहल नहीं रखूंगा, वादा कर रहा हूं। आपने माफिया देखे, आपने माफिया देखे, क्रिमिनल देखे, मैंने आपको ईमानदार प्रत्याशी दिया, क्या यामी भाई की ईमानदारी पे किसी को शक है? मैंने आपको ईमानदार और वफादार प्रत्याशी दिया है, मैंने एक भला आदमी दिया है और आप लोगों के काम करने के लिए दिया है। और मैं ये भी गारंटी देता हूँ, इनके पास 1 साल है, 1 साल के बाद दोबारा चुनाव होगा, ये 24 घंटे आपके अगर खिदमत में ना खड़ा होना तो मेरा कान पकड़ना। आप लोग किसका कान पकड़ोगे? हाँ, अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत है, समझ रहे हैं, इस सरकार से, जालिम सरकार से लड़ने के लिए और इनके झूठे एजेंडों से लड़ने के लिए मैं गारंटी देता हूँ कि जब ये सामना नहीं कर पाएंगे तो नफरत के बीज बोएंगे, सांप्रदायिकता की आग जलाएंगे, तमाम तरह के दंगे उनके कराने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी एकता पे टिके रहना है, अगर मैं गारंटी देता हूँ आप लोग एकजुट रहे तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं दिल्ली की गद्दी पे भी आपका आदमी बैठेगा, ये बात आप याद रखिए। समय कम है, जो नौजवान यहाँ पहुंच चुके हैं उनकी जिम्मेदारी है जैसा मैंने कहा है, ऐसा ही कर रहे हैं हम। मेरी इज्जत और मेरा सम्मान यहाँ लगा है, कहाँ लगा है? बिहार में भी चुनाव है, लेकिन मैंने बुलंदशहर के लोगों को पहले मौका दिया, अब तक प्रत्याशी के घोषित तो नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश की मिट्टी से प्यार है, इसकी जेल, कई जगह की जेल मैंने देखी है। मैंने आज उनको भी कहा है, एसपी सिटी वहां थे, मुझसे कह रहे थे वहां नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे, हमने कहा एक जगह तो जा सकते, बोले कहा, मैंने कहा अलीगढ़ की जेल में, तो हंसने लगे। हमने कहा कि यार देखो, ये जो रईसों के लोग चम्मच लेके जो पैदा हुए हैं, राजनीतिक चम्मच, उनको दिखाना है मुकदमों जेलों का डर। हम ना जेल से डरते, ना आपके मुकदमे से डरते, ना आपके हेल्प से डरते, ना फांसी से डरते, ईमानदार व्यक्ति, और जब तक जिएंगे पूरी ईमानदार से कौम की हिफाजत करेंगे, कौम की खिदमत करेंगे, और किसी भी तरह का जब अन्याय अत्याचार हमारे लोगों को पूरे देश में कहीं थोपा जाएगा तो उनकी अपना सीना आगे करके उनकी सुरक्षा करेंगे, ये जिम्मेदारी नहीं है। मैं फिर जो लोग आपसे बहुत भाईचारे की बात करेंगे और कहेंगे हमने खिदमत की थी, उनसे पूछेगा जब आपकी, उनकी नेता जब वहां दिल्ली में बीजेपी के सहयोग से बैठ के चुनाव खत्म हो जाएगा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, आप और मैं यही रहेंगे, आपको पता है कि आपके लिए कौन लड़ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो आज के इस कैडर को
अपनी बात रखने का जो मौका मुझे मिला है उस पर बस मैं 10 मिनट आपसे चाहता हूं। बहुत बतौर मेहरबानी आप लोग मुझे सुने। इस मंच पर बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मेरे भाई सबील साहब बैठे हुए हैं, मुस्तफा भाई बैठे हुए हैं, वीरेंद्र श्रीश जी बैठे हुए हैं और बहुत सारे जिम्मेदार जो हैं। बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट, NBC न्यूज के लिए।